हेलो गाइस, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। मैं पीयूष सर, आज आपको बात करने वाला हूं वोकैबुलरी बैट से पार्ट नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोपोन्स को मैंने आपको क्लियर करा दिया है, तो आज मैं वन वर्ड में आपको शुभ 11 बताने वाला हूं। यानी कि अगर आपने इतना तैयार कर लिया, इतने बेस्ट 11 तैयार कर लिए और फिर इस पे डिपेंड और आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, और यकीन मानिए कि जब शुभ 11 पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम में भी शुभ शुभ होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप बेस्ट ऑफ बेस्ट करते रहोगे। तो चलिए बात करते हैं हम आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 4 है। जैसा कि आप हिंदी में अब तक देखते आए हो कि अनेकों एक वाक्य के लिए एक शब्द लिखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग कहते हैं उसे विधवा कहते हैं। ऐसे इंग्लिश का सेंस निकालिए, आप हर एक वर्ड का सेंस निकालिए और उसका हिंदी जब आए तो उसको इंग्लिश में लिख दीजिए। जैसा कि मैंने यहां इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी में आपको अर्थ बताता चलूंगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश इसलिए लिख दिया कि आपको हिंदी तो आएगा, इंग्लिश नहीं बता पाओगे, तो मैं इंग्लिश लिख के हिंदी समझाऊंगा ताकि आपको और आसान हो जाए। तो देखिए, पहला आपके सामने सेंटेंस है कि अ पर्सन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है दैट देयर इज नो गॉड, भगवान में एकदम नहीं। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में क्या है, बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, आप हिंदी में जानते उसको क्या कहते हैं, लोग उसे कहते हैं कि नास्तिक, इंग्लिश में इसे कहते हैं एथियस्ट। तो ये क्या है एथियस्ट, इसको हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, नास्तिक। जैसा कि आपको एग्जाम में हिंदी से कोई मतलब होता नहीं, बस ये आप जानो कि एथियस्ट का मतलब, यानी जब दिमाग में कि नास्तिक तो इसको लिख लो एक जगह कि नास्तिक इंग्लिश क्या होती है, जिसे याद करते हो कि APPLE एप्पल, छोटे बच्चे याद कर लेते, आप क्यों नहीं वर्ड मीनिंग याद कर पाओगे, वन वर्ड आप क्लियर कर लो एकदम। अब आपका क्या है, अ ट्रेवलर, एक यात्री इन स्पेस, इस अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को क्या कहते हैं, हिंदी में तो आप बता ही दोगे कि उसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अब अंतरिक्ष यात्री की इंग्लिश क्या होती है, एस्ट्रोनॉट होती है। एस्ट्रोनॉट मतलब होता क्या है, अंतरिक्ष यात्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी वन वर्ड के शुभ 11 में थर्ड नंबर की तरफ, तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय में घटित घटनाएं, एक ही समय में, तो उसको क्या लोग कहते हैं कि समकालीन परिस्थिति होती है, तो घटना समकालीन घटनाएं, समकालीन परिस्थिति, समकालीन व्यक्ति, तो यानी उसे कहते हैं कि एक ही समय में होने वाली चीजों को बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो उसे समकालीन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररी बोलते हैं। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, समकालीन। अब आगे बढ़ते हैं आपके फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, लिखा दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए क्या हो, योग्य हो, जो खाने के लिए फिट हो, जो खाने के लिए सही हो। आप ये नहीं है ये कहोगे सर ये फिट के फिट कहीं हम फिट करेगा तो कहीं ना लिखते फिट करी, फिट करी का सब लोग जानते हो, फिट मतलब फिट करी, तो फिट सच में करी, यानी फिट सच में करता है वो फिट करी। लेकिन यहां पर बात कुछ और, इंग्लिश का सेंस कुछ और है, क्या कह रहा है कि दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने में योग्य हो उसे कहते क्या, हम कहेंगे वन वर्ड में खाने योग्य कहेंगे। तो खाने योग्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं एडेबल, तो एडेबल मतलब खाने योग्य, तो आप क्या लिख सकते हो, खाने योग्य। इटावेल्स में जानते हो खाद्य खाने वाली वस्तुओं से होता है, इटावेल्स का मतलब होता है। अब आते हैं इधर कि वन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो विलेव्स विश्वास करता है इन फेट भाग्य में, यानी ऐसा व्यक्ति जो केवल भाग्य में ही विश्वास करता है। लेकिन आपको भाग्य में विश्वास नहीं, अपनी मेहनत में विश्वास करना है, और आप मेहनत करोगे तो क्यों एग्जामिनर आपको कम मार्क्स देगा, आप अच्छे लिखोगे, अच्छी मेहनत होगी तो अच्छे मार्क्स पाओगे, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा आपका नंबर। तो आप वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, यानी भाग्य के भरोसे हमेशा रहता है, भाग्य के बारे में ही वो हमेशा सोचता रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भाग्यवादी, और भाग्यवादी को इंग्लिश में कहते हैं फेटालिस्ट, मतलब भाग्यवादी। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, भाग्यवादी। चलिए
अब हम बढ़ते हैं शुभ 11 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी पूरे बीमारियों को सही करने वाले को क्या कहते हैं औषधि को, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैनेसिया और हिंदी में लोग कहते हैं कि जो क्या है ऐसा ही दवा जो सभी चीज रोगों को तुरंत ठीक करते, उसे सब आप लोग कहते हो जानते हो हिंदी में क्या, उसे कहते हैं रामबाण औषधि। ये तो कहते ना ये रामबाण है, ये क्या है एकदम सही कर देगा, तो आप तुरंत लिखोगे क्या कि लिखोगे पैनासिया यानी कि रामबाण औषधि। ये बहुत पूछा है, आप देख रहे हो यहाँ सामने, आप सामने देख रहे हो कि ये चीजें आपको जो मैं बता रहा हूं ये कितना इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। 2008, 2011, 2016 और 2018 में पूछा हुआ है, ये 2010 में पूछा, 2013-18 में ये पूछा, 2012-13 में ये पूछा, 2013 में सबसे ज्यादा ये आपका रामबाण औषधि पूछा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, अब उसके बाद 18 के बाद से ये रुका हुआ है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन गेस कर सकते हैं कि ये आने की संभावना इसकी बन जाती है। और ऐसे ही आप और वन वर्ड के कैसे लिखते हैं मैंने आपको दे दिया, आपका ये लाइन होगा, ये सेंटेंस होगा, आप ये लिखोगे, ये एग्जाम में दिया होगा। तीन आते हैं इसमें से जो एक एक नंबर के होते हैं, जैसा कि तीन नंबर का एंटोनिम्स, तीन नंबर का सिनोनिम्स, दो नंबर का होमोनिम्स और तीन नंबर का ये। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अब आपका वेगुलरी कल खत्म हो जाएगा, पार्ट नंबर 5 जो आइटम्स और फ्रेश से रिलेटेड होगा, तो जिसमें मैं 4 पार्ट में आपका ये 3 मार्क्स एक एक नंबर के 3 आएंगे, तो आप लिख दोगे, कोई कठिन नहीं है, बस आपकी समझने की, अब याद ही आप ना करो तो कमी आपकी हो जानी चाहिए, मेहनत करो बच्चों आप। अब आगे आते हैं, वन एक ऐसा व्यक्ति हु गोज ऑन फुट, जो पैदल ही चलता है, जो पैरों पे चलता है, उसे क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं, उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, तो आप उसे कह सकते हो कि पैदल यात्री, क्या कह सकते हो, पैदल यात्री हिंदी में, लेकिन हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि पैदल यात्री यदि आपके जुबान पे आता है तो आप उसको लिख सको पेडेस्ट्रियन। इसको एक बार अपने नोट में बनाकर इसके मीनिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस तो ये दिया होगा बट ये नहीं दिया होगा, उसको हिंदी में अर्थ आएगा तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ये आप नोट कर लोगे बच्चों। आगे, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, 2013-16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अनुभव, बहुत लंबा अनुभव, तो आप इसे कह सकते हो कि अत्यधिक अनुभवी, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हो, लेकिन इसके लिए एक वन वर्ड भी बनता है, उसे क्या कहते हैं, वेटर्न बोलते हैं। अब वेटर ने वेटर्न बोलते हैं, तो आप क्या कह सकते हो इसको, अनुभवी व्यक्ति कह सकते हो आप, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति से इसका मतलब होगा। अब आइए, दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जिसे अपने बस में नहीं किया जा सकता, ऐसे कौन होते हैं जो पालतू नहीं है। अपोजिट चले जाओ, पालतू मतलब नहीं है तो क्या होगा, जंगली होगा, जंगली हो, यानी जंगली को क्या इंग्लिश में कहते हैं, लिखा हुआ है सामने देख रहे हो, लेकिन आप इसको वाइल्ड कर सकते हो, तो आप इसको वाइल्ड के और भी, जंगली को आप रूड भी बोल सकते हो, असभ्य भी बोल सकते हो, इसे पालतू नहीं बना सकते हम। तो अब उसके बाद इसे क्या लिख सकते हो, जंगली, क्या लिख सकते हो, जंगली। अब बात करते हैं आगे हम कि दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन हो, जिस पर हम विश्वास कर ही ना पाए, तो क्या होगा, अविश्वसनीय, हम जिस पर विश्वास ना करो वो अविश्वसनीय है, यानी अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। अब आप कह सकते हो अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। देखिए, अब आपके शुभ 11 में से 11 नंबर नीचे कि दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसे कहते हैं हिंदी में अपठनी, इंग्लिश में उसको बोल देंगे क्या, एलिजिबल। अब कहोगे सर एलिजिबल और भी कहीं प्रयोग होता है कि एलिजिबल है, लेकिन यहां पर क्या है, वो अपठनी के तौर पे एलिजिबल नहीं, वो एलिजिबल है, तो अपठनी हम कह सकते हैं इसको, तो इंग्लिश में इसको एलिजिबल बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, कई बार का पूछा है, 2009, 2011 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके ये शुभ 11 खत्म होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये शुभ शुभ किया है और इसके अकॉर्डिंग और भी जो वन वर्ड के हैं उसमें भी अपनी
अपनी मेहनत को दर्शाइए और इतना आप मेहनत करो कि क्या है, एग्जाम को आप जितना बोझ लेके चल रहे हो कि 3 महीने का मेरे पास प्रेशर है और मैं इतने में तैयार करना है, तो आपको इतनी बेस्ट तैयारी अब कितना क्या मिलेगा। शुभम क्लासेस जिस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा है, पूरी टीम लगी हुई है, चाहे वो मैथ के हों सर, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, चाहे इंग्लिश के कोई भी सर या आपके शुभम सर जो भी हैं, हर एक व्यक्ति आपके लिए बेस्ट दे रहा है। आपके पढ़ने की देरी, आप पढ़ो मेहनत से और आगे बढ़ो, मैं बस यही दुआ करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर तो जरूर कर दोगे। हाँ, जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मैं शुभम क्लासेस चैनल को बाद में सब्सक्राइब करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि आज ही कर लो और अभी कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपसे अच्छी वीडियो दूर ना हो जाए। तो तब तक के लिए गुड लक।